हेलो एंड वेलकम टू आरएलआर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। जी हाँ, लास्ट की 3 से 4 वीडियोस के अंदर आपने जाना होगा कि अगर हम फाइनेंशियल कोई लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उसके बेस पर हम कैसी कैसी कंडीशंस पर अपनी ईएमआई, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने यूज करना सीख लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे अपने लोन की वैल्यू जाननी है कि मेरे लोन की वैल्यू कितनी है, तो वो मैं कैसे जानूंगा, उसके लिए मैं पीवी फॉर्मूला को बेहतरीन तरीके से यूज करना सीख सकता हूं, जो कि आपको बताता है कि आपके लोन की एक्चुअल वैल्यू है कितनी। सो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, वही अपने पुराने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, जहां पर मैंने होम लोन लिया हुआ है और वो लोन का अमाउंट कितना है मुझे याद नहीं है, तो ये मैं पीवी फॉर्मूला की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू पीवी। जैसे मैंने टाइप किया तो बता रहा है रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट द टोटल अमाउंट दैट अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज वर्थ नाउ, यानी कि आपके इस समय की करंट वैल्यू कितनी है जितनी आपको फ्यूचर में पे करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैसे दूंगा, तो मैं सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कैलकुलेट कर लेता हूं। इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई 12, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया पर मंथ, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये टोटल नंबर ऑफ पीरियड आ गया कि मुझे कितने महीने के लिए ये लोन मैंने लिया हुआ है। तो उसके लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू पीवी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड मुझसे पूछ रहा है तो मैंने इसको यहां से सिलेक्ट कर लिया जो कि 120 महीने के लिए है, और कॉमा, आपने अपने लोन की वैल्यू कितनी, मतलब सॉरी, आपने अपनी ईएमआई कितनी पे की है, उस ईएमआई की वैल्यू को आप लिख दें, आप मंथली कितना ईएमआई पे करते हैं आप ये बता दें, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी कि आपका जो लोन है इतने का है करंट में, जो कि है 50 लाख रुपए का। देख रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत तरीके से ये आपके लोन की वैल्यू को ले आता है, अगर आप भूल गए हो या नहीं जानते हो कि आपके लोन की वैल्यू कितनी है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला हम एक्सेल के अंदर कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको NPER फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा। सो आई होप तब तक के लिए आप तैयार रहें, गुड बाय।